इसमें कम हो गया आज की मंजिल में। तो आज है मंडे, तो हम कल डीमार्ट गए थे, तो हमने ये लाया था ट्रिकलर पास्ता मसाला, ये हमने लाया था कल डीमार्ट से। तो अभी डीमार्ट में हम लोग क्या के लिए, वो भी यही व्लॉग में होगा, तो हम इसको ट्राई करने वाले हैं कैसा टेस्ट बताते, और आप लोग इसको लेना या नहीं लेना वो भी बताएं। और इसकी रेसिपी एकदम सिंपल है, जैसे हम मैगी बनाते हैं ऐसी बनाना है। बनाया होता है जैसे हम बनाते हैं वैसी है, और कुछ नहीं। पर अगर आपको इसकी तरह बनाना है तो उसकी भी रेसिपी तो, हाँ तो आप सब लोग देख सकते हैं। भाई ये मैगी नॉर्मल, ये पास्ता नॉर्मल बनाना है, ठीक है स्टार्ट करते हैं। हमको अंदर से ये मिला है, एक ये मैगी पैकेट और ये पास्ता। तो हम इसमें डाल के पानी, फिर पास्ता डाल के, मसाला डाल के इसको पकने देंगे, फिर रेडी है हमारी मैग, क्या बोलते हैं पास्ता। ताकि कलर कुछ इस तरह है, गाइस घर से उधर लिखा है पास्ता सॉस जूस सॉरी सॉस मेकर दिख रहा है, पास्ता सॉस मेकर लिखा है। हो गया पानी भाई लाल। गाइस मसाला कुछ इस तरह है, स्मेल वैसी आ रही है जैसा हमारा पुराने वाले में आती थी, पर इसके अंदर वेजीज आए जैसे कि हमारी यिप्पी का मैगी आती थी ना रेड कलर का, तो ये येलो कलर का मसाला, पर उसके अंदर वेजीज कैसे रहती थी रेड वाले में, तो ऐसे इसमें ऐसा है। चलो डालो, पूरा डालना है इसको, तो बचाना चाटने के लिए कुछ नहीं बचा, इसको बोल के बचाए तो भी साइड साइड में लगा चाट लेंगे। गाइस कुछ इस तरह हो चुका है, अभी हम इसके डाल लेंगे पास्ता। तो मैं पास्ता डाल देती हूँ, हम सारा पास्ता डालेंगे। ये ना कौन सा कलर हो गया पता है गाइस, ये हो चुका है इंडियन फ्लैग कलर, यानी कि तिरंगा। गाइस पूरा पैकेट खत्म हो गया इसका, आज हम इसे ना ढक्कन में रखेंगे, अभी हम लोग कौन सा भी ढाक रहे हैं, थोड़ा देर फास्ट पे ही रहते हैं। ये देखते हैं मैगी से जल्दी बनता है कि लेट बनता है। एक्चुअली मेरे को लग रहा है पास्ता बॉईल होने का थोड़ा टाइम लगता है, फिर भी देखते कितना जल्दी होता है। गाइस अभी इतना पास्ता डन हुआ है, देखो मस्त पास्ता है, 5 मिनट भी नहीं हुआ इसको, हम लोग को रख के 2-3 मिनट हुआ है, फटाक से पक गया ये। फिर हम थोड़ा फिर भी 5 अगर ढकेंगे तो नहीं, 2-3 मिनट इसको ऐसा रखते हैं हिलाएंगे, स्लो पे ही स्लो पे रखेंगे हम लोग ने गैस स्लो पे। हमारा पास्ता डन हो चुका है, यहाँ लीना इसको प्लेट में डालेंगे। गाइस अभी अलीना इसको टेस्ट करेगी, बताओ टेस्ट करके। एकदम मैगी का ही टेस्ट आ रहा है, ऐसा लग रहा नहीं कि हम पास्ता खा रहे हैं, बट बहुत अच्छा है, मैगी से बेटर है। सो गाइस अभी जो हम लोग कल डिमांड करते थे तो वहाँ से क्या के रहे, तो फर्स्ट है फुटवेयर, तो अभी ये सब हम लोग लाए हैं। तो बताती है क्या किसके और कितने रुपए है। तो फर्स्ट आती जूती जो कि है मेरी है, इसका प्राइस है, इसका प्राइस है 199, और ये रही मेरी जूती। गाइस मेरी जूती का कलर है ब्लैक। सो गाइस ये वाला रहा अम्मी के लिए, ये रहा अम्मी के लिए, इसका की प्राइस है 399 रुपीज, तो ये रहा अम्मी का। अम्मी का भी कलर है ब्लैक, और ये रहा किसका, ये है मेरा, ये रहा अलीना का। तो इसकी प्राइस क्या है ये पर बताओ, स्लीपर क्या, स्लीपर ये गाइस स्लीपर नहीं सैंडल है, फैंसी सैंडल, और इसकी भी प्राइस है 199, और इसका कलर है ग्रीन, इसका कलर है पिस्ता, इसका कलर है पिस्ता, अलीना की ड्रेस से मैच हो गया। सो गाइस अभी बाकी का बाद में बताएंगे ट्यूशन से आने के बाद। सो गाइस अभी हम लोग ट्यूशन से आ चुके, तो हम लोग ने मॉल से अलीना मैंने हमारे लिए क्या क्या लिया वो बताते हमारे लिए, पहले आप सब इतना देख लीजिए देखो क्या क्या है।
फिर हम लोग एक एक करके बताएंगे। चलो स्टार्ट करो। तो हम लोग ने लिया था विटा मैरी बिस्किट वाला, विटा मैरी गोल्ड लिया एक हम लोग ने, और ये रहा 7 packs का चॉकोस, हमारा वो वाला खत्म होने आया है। एंड ये मैगी और ओरियो की पैकेट, जंबू पैक, यस जंबू पैक, लड्डो चोको पाए, रहा लड्डो चोको पाए, और ये रहा हमारा इलायची टोस्ट जो हमें बहुत अच्छा लगता है, और ये रहा गया। एक हम लोग ने लिए मोनाको सीज़लिंग जो हम अपने बहुत बचपन में खाया करते थे, छोटा पैकेट आता था पर ये हम लोग ने बड़ा वाला लिया है। अभी बड़ा वाला नहीं आता है, छोटा वाला नहीं आता है, कहीं पूरा फूल है यहाँ तक। और हम लोग ने लिए, हम लोग ने पर्सन लिए हैं वो जो हम मिसल के साथ खा सकते हैं, और हम लोग ने लिया भेल बनाने के लिए मुरमुरा, कोल्हापुरी सुरती कुरमुरा। तो हम लोग ने हमारे लिए और भी लिया, जाके अंदर फ्रिज से लेकर आ गाइस, अभी इसमें से लेकर लेके हमारी फ्रिज का खजाना ओपन। गाइस देखो इसने क्या क्या, डेरी मिल्क मिनीस एंड बॉर्नविटास जो पी के लिए है 2 packets, बहुत सारे केक, ये रहा ये कितना केक है वाला, ये 6, ये 6 केक है वाला, 6 केक्स, ये वाला रहा 6, ये वाला 5 और ये वाला भी 6। हम लोग ने फ्रीज में ये लिए बस, देखो इतना बस हमारी चीज ये, बाकी का राशन था बताती हूँ क्या था, थोड़ा बहुत ही बताऊँगी। ये वाला चौक जो ये वाला केक है ना बहुत दब गया है, और सब 10-10 रुपये के। तभी हम इसको वापस पहले ऐसा रख देते जैसा था, हम लोग ने अभी रखे दोपहर शाम को। चलो हमारा ये सब हो गया, और अभी तक ये कितने दिन चलेगा, राशन 2 महीने चलेगा पर ये तो 1 महीने भी नहीं रहेगा। हम लोग रोज़ नहीं खाएंगे, कम खाएंगे। हमारा फुटवेयर दिखा दी, और ये खाने का भी बता दी, आता है राशन, तो राशन में सबसे बड़ी चीज़ ऑयल तेल। सो गाइस सबसे पहले आता है ये शक्कर जो कि 5 किलो रहेंगी, 5 kg, चावल भी 5 kg है जो कि 1 kg, और ये 1 kg और 2 kg केक है जो कि है बासमती राइस। बस इतना नहीं लिए अभी, इतना है अभी इसके अंदर बताती हूँ। ये सब लिए एक और ये रहा ये मेरे आज आके रख डाले फटफट, अम्मी को वीडियो बनाने भी नहीं दिया, और अम्मी को बताने का वीडियो भी बनाना है। देखो ये सब लिए, ये लिए, ये लिए, ये लिए, सब कुछ लिए। मैं रेडी हो चुकी हूँ स्कूल जाने के लिए, तो जाते हैं स्कूल। गाइस बाहर का मौसम कुछ इस तरह है, और सुबह में 7 बजे उठी थी जो कि दो कुत्ते लड़ रहे थे इधर इधर। हमारी सीढ़ी का हाल देख, गाइस मैंने मेरी स्टडी स्टार्ट ही करी थी, ये पार्सल आ गया है और मैं स्कूल से आ चुकी हूँ, तो देखते हैं इस पार्सल में क्या है। तो मैं से होल कर रही, चलो उसको खोलते, अंदर एक और बॉक्स, वाओ रेड कलर का है कुछ, पर क्या है। गाइस हमारे ये वाले प्लास्टिक बैग से ये लिख रहा है, ये वाला पेन डोसा पेन, एक ये निकला है और एक ये, और दो ये मिला है, हमको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, खोल के बताती हूँ। पहले मैं मेरी पढ़ाई का सामान चाहिए। गाइस एक ये कढ़ाई है, और एक ये पेन है, और एक ये तवा है डोसे का तवा जो कि रेड कलर का डोसा, और इसके लिए ये रहा ये दो। गाइस मेरा अभी तक साइंस का फिलिंग द ब्लैंक देखो, 1, 2, 2 है फिलिंग द ब्लैंक से हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2।
टू फॉल्स, वन टू टेन है। क्वेश्चन नंबर थ्री, मैच द फॉलोइंग, वन टू एट है, अभी मेरा हुआ है, अभी आगे का करते हैं। ट्रू ये हो गया, ट्रू फॉल हो गया, मैचअप्स हो गए, अभी करेंगे हम लोग, अभी हम लोग करेगी ये, गिव द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। अभी हम खोलेंगे इसको, इस लिंक को, बॉक्स है पूरा अनबॉक्स नहीं हुआ है जो अब हम लोग करने वाले हैं, पहले हाथ से ट्राई करते हैं। गाइस खुल गया यहाँ से, गाइस ये खुल गई है, और यानी नंबर ये मोनाको मोनाको बिस्किट जैसे मोनाको का, बस थोड़ा चीज़ी चीज़ी है। गाइस मैं इसे खोल के बताता हूँ, अंदर चीज निकल गई, वाव। गाइस अभी मैं खा रही हूँ केक, ट्यूशन से आ चुकी हूँ, तो कल हम लोग ने मेयोनीज भी लिए थे, शेजवान चटनी और एक खीर भी लिए थे। गाइस अभी हम लोग खा रहे हैं खीर पूरी जो कि अम्मी ने बनाया है, गर्मा गर्म खीर, गर्मा गर्म और गर्मा गर्म पूरी। तो जैसे कि आप सब लोग मेरा ये उससे पहले वाला ब्लॉग देख ही लिया होगा, जिसमें मोहन का बर्थडे था, मोहन का बर्थडे वो दिन में नहीं था, मोहन का बर्थडे इससे पहला था, मोहन का बर्थडे 26 तारीख को था, यानी कि 26 जुलाई को बर्थडे था, तो मैंने अपना जो केक काटा कर लिया, तो फिर अभी वो उस दिन हम लोग के पास आया तो हम लोग ने भी केक कटिंग करे, फिर नानी ने खाना बनाए थे, खाने में था पुलाव, फिर हम लोग ने वो खाया, फिर हम लोग डी मार्ट गए थे, डी मार्ट से आए, फिर हम लोग वॉफल खाए, आप सब देख ही लिया होगा, ठीक है। सो ऐसे इस वीडियो को यहाँ पे नहीं एंड करते, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज़।